क्योंकि मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसको देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, द लैंड ऑफ गॉड। और दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत जगह कोई है, मारवा साहब एंड हिज एक्सलेंसी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आई वेलकम यू इन उत्तराखंड। प्लीज डू विजिट उत्तराखंड, इट्स अ होली प्लेस, इट्स अ लैंड ऑफ गॉड। हमारे पास केवल समुद्र नहीं है, लेकिन हम आपको बाकी सब कुछ देते हैं। अगर आपको शेर की दहाड़ भी सुननी है तो आपको हमारे यहाँ आना होगा। क्या है? जय देवभूमि उत्तराखंड। क्या है? क्या जय देवभूनिया हो? देवभूनिया हो क्या बोला? देवभूनिया हो? देवभूनिया है। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड, और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पीलो चाय। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। बारिश बिल्कुल होती जा रही है और लगता है कि आज फिर से बर्फबारी हो सकती है यहाँ। और सुबह की पहली चाय मुझे मिल चुकी है, चाय की चुस्की लेने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ और बाहर का मौसम दिखाता हूँ। रात 2 बजे से बहुत भयंकर बारिश हो रही है, मुझे नींद भी आ रही थी, कई बार टूट रही थी, क्योंकि कई बार मौसम इतना भयंकर, बादल चटक रहे थे कि कई बार डर लग रहा था। तो पहले चाय पीता हूँ, उसके बाद आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, फाइनली मैंने चाय पी ली है और अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। वैसे तो रजाई में उठने का मन नहीं कर रहा रजाई से, पर चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। मैं भी खुद बाहर नहीं गया, मैं सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहा हूँ। यहाँ तो बहुत भयंकर बारिश लग रही है और ये मारा शेरू। हाँ भाई शेरू, क्या कर रहा है? नीचे रहे, नीचे 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 बैठो, जाओ उधर बैठ। देखिए यहाँ बारिश, अरे नीचे बैठो भाई, नीचे बैठ जाओ। ये देखिए आप, पूरी जगह बारिश लग रही है और बारिश से मौसम इतना ठंडा हो गया है। और वो देखो पहाड़ी पे बर्फबारी हो रही है, वहाँ बर्फबारी हो रही है। तो शायद क्या पता यहाँ भी बर्फबारी हो जाए फिर से। और अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ तो बारिश से मतलब बारिश से मन नहीं करता कहीं इधर उधर जाने का। ये मेरी माँ क्या ले जा रही? माँ पिंडा, भैंस के लिए जो बचा हुआ खाना होता है रात का, उसको ले जाते हैं। वो देखिए वहाँ उस वाली पहाड़ी पे, मैंने आपको बताया था वहाँ भी बर्फबारी हो रही है। वहाँ तो खैर बहुत भयंकर हो रही है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा लग रखा है, कोहरे का मतलब है कि वो बर्फबारी हो रही है, इसलिए वहाँ दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं पहले आग के पास जाता हूँ, देखता हूँ आग जला रखी उन्होंने, नहीं जला रखी। देखिए बाल्टी भर रही, हाँ दिख तो रही आग। शेरू बाहर आ, तू बाहर आ, हाँ बाहर आ जा, बाहर आ। और अब मैं जाता हूँ अंदर। ओ हो, दोस्तों सच बताऊँ तो बहुत भयंकर ठंड लग रही है। दोस्तों बारिश में तो सच बताऊँ तो बस मन करता है कि चाय पिए। और ये आग, अंधेरा है, लाइट खोलो यार, लाइट खोल दो। क्यों अंधेरे में रह रहे तुम? क्यों अंधेरे में खेल रहे अंधेरे में? हैं पानी पर ये हमारे शेरू महाराज, इसको भी आज ठंड लग रही, इसलिए मैंने इसको अंदर ही बुला दिया है। तो शेरू नीचे बैठ जा उसके ऊपर, बस बैठ जा। वेरी गुड, बस बैठ गया भाई साहब, नीचे बैठ गए अपने। तो मौसम बहुत ठंडा है, तो एक और चाय बना दो यार, एक और चाय, बस थोड़ी 10 वाली चाय। क्या दिया मोयो खोलो ना, क्या दिया मोयो खोलो, रिस्पेक्ट भाई साहब, शर्माते कैमरे में आने से। अरे शर्माया मत कर, लोग तुझे देख रहे हैं, लोग बोलेंगे वाह। और ये देखो महाराज, हाँ जी आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहोगे? 50 लाख लोग तुझे देख रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहोगे? इधर देखो जरा, दर्शकों को कुछ बोलना चाहोगे आप? जाप पड़ रखा है इसमें तो, तू भी है लाइक शेयर कर दे, बोलो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बोलो हेलो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं बोलेगा बेटा, खाना नहीं मिलेगा आज। तो हंसी मजाक चलता रहता है, आप देखिए बारिश बहुत भयंकर हो रही है। हाँ अब आए मेरे को यार,
टॉफी मिल रही मेरे को तो कल की। कुछ भी खाने का मन कर जा तो पहले माँ को आने देते हैं, फिर उसके बाद चाय का जुगाड़ करवाते हैं। इनकी बस की तो नहीं लग रही मेरे को, ये पिलाएंगे भी नहीं, ये आज नहीं चला पा रहे हैं ढंग से, और ये चाय क्या बनाएंगे। तो दोस्तों मम्मी आ गए और मम्मी ने चाय भी बना दी और चाय के साथ रोटी भी दे दी। चाय और रोटी खा रहा हूँ और सभी लोग खा रहे लग गए। देखो यहाँ इनको सबको भूख लग रही है। मम्मी भी इधर लगी हुई सपोर्ने पे। शेर देखो बाहर से, ओ देखो शेर अंदर देख रहा है। हाँ महाराज क्या देख रहे हो आप, आपको मिलेगा, रुको आपके लिए बन रहा है अभी। हाँ मेरी गरम गरम रोटी। मैंने कर दू तो ऐसी बात छोड़ दे मेरू हाथ, चिट्ठी की लेनी भेज। माँ एक गाना सुना दे यार, माँ सुना दे यार, माँ एक गाना सुना दे यार। माँ जी मौसम ठंडा हो रहा है, सुने दे यार बाबा। आग देखा जा सकना देख ना यार, यो यू तगड़े आराम खकर मुंडिया। अला कोई कविता तो सुना दे, सुना दे बाबा। यू क्या भाई तू सुना दे। देखा नया जमाना का छोरो कनु उठी बोल तिबारी कंडिया तू मार रॉक एंड रोल। तू सुनो मैं तू आज असमंजस मत, चल तू अगले दिन सुने। तो दोस्तों आपको मौसम दिखाते हैं एक बार फिर से बाहर का। चाय तो मैंने दो बार पी ली अभी, एक सुबह भी पी, तीन हो गया मतलब। ये देखिए अरे तेरा माना छोड़ी लचारे। हाँ जी हाँ ना रुक जा, ये हमारो शियरू यू ये गुडियारू। तो दोस्तों आज का मौसम बहुत ठंडा है और हो सकता है कि आज बर्फबारी भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं मैं ब्योली बन चुका हूँ। ये महाराज है देखो यहाँ, ये मेरी माँ ने भिजवाया है मेरे अंदर से, ठंड लग रहा है। तो अब आपको क्या दिखाऊं, क्या देखोगे आप, क्या देखना पसंद करोगे? उधर साइड, उधर साइड नहीं जा सकता मैं। आज फिलहाल आपको एक सुंदर सी झलकी दिखाता हूँ अपने गांव की। ये देखो आप, बारिश हो रही है, वो सामने जो गांव है वो है कौनगढ़, उसके ऊपर हो रही है बर्फबारी। और ये है ऊपर जो सामने ये पहाड़ दिख रहा है, इसको हम रटंग बोलते हैं, और वहाँ पे एक आधी फैमिली रहती है। ये है मेरे गांव का सुंदर नज़ारा, वो देखो उधर भी बर्फबारी, ऊपर की साइड भी बर्फबारी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। ये हमारे शेरू भौंक रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको पता ही, आज मौसम बाहर काला हो रखा है और बारिश इतनी भयंकर हो रही है, कहीं जाया नहीं जा रहा है। तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि एक कविता सुना दे, सुनाएगी? नहीं। चुटकुला सुनाएगा? नहीं। क्या बताएं आप मुझे अपने, मतलब हमारे जमाने में क्या होता था, हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे, इतनी पिटाई होती थी ना, अब के बच्चों की तो पिटाई भी नहीं होती, क्योंकि अब बैन करते सरकार ने पीटना। हमारे टाइम तो भाई साहब बांस के डंडे टूट देते। तो मतलब बचपन की हमें वो कविताएं आज भी याद है, आज से 15-15, 20-20 साल पहले की जो कविताएं वो मुझे आज भी याद है। एक झांसी की रानी वाली थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, सुना? बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी,
बूढ़े भारत में आई है फिर से नई जवानी थी, चमकुटी सन सत्ता मनो है 72 बार पुरानी थी, मुंडेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। अरे वाह बेटा, मैं बोला तब बोल रहा तुम निकल तेरी मुखड़ी लगी तेरी काली मुखड़ी तेरा काल मुखड़ू मिल दिखाणो बाबा ठंडी तू गोरू कहन बोले तू गोरू का दे तू तू तवा ही चार यम्मा सही चार काउल भूत तू ऐसे गोर तेरा छेलू तेरा देख अच्छा यार तू बोल बंदर वाल बोल तू है बांदर मारे बोल तू नहीं दिन खातन बांदर मौत तो है मौत वाले दिन लड़े अच्छी मेरे बांदर वाल तू पर बिखर तू बांदर पर बिखर गोवा उन छोड़ाए बोल तू मची अरे बाबा पकड़े बांदर आजा बोल मार खाए पहले कि नहीं खाए सच ला खाए ना मार सोच कर गोट गोट सोच दो बहुत गौर से सोच कैसे मार खाए तूने कैसे मार खाए खाए ना खाए नहीं दीदी की कु दीदी ज्योति का दीदी का अरे हाथ पागल है असली मन की मार नहीं खाई बोल कर दूँगा यार खाई अच्छा समझी मैं हाँ। क्या कैमरा ऑन हो तब तेरी बाज बंद होनी जब मैं कैमरा यही तेरे घुसवाणो तेरे यही तो बहुत मार खाई तू तो घिच भी नहीं आकुन दिखाई अपने कैमरा पर देते घिच दिखा कैमरा पर तब चैनल पर दिखा दिखा घिच दिखा पूरा दिखा ये रहा था ये रहा ई मैं बहुत मार खाई भाई ये घिच को दे ये रहा था ये रहा ये राम दांत ये मैं दुई दांत भी निकाल हर तक या कर ये या कर तो दांत ये है रोए ना रोए ना रोए कोई बात नहीं कोई बात नहीं रोए ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं मार खेल कोई बात नहीं अब ना लड़े भौंके माँ है सुधीर हम भौंके माँ ढेप लड़ो बलाम बल्कि मेरे आज घी खाई हुई चम्मच एक चम्मच घी खा रखा मैंने आ जाओ तब खानो मारता हूँ डर दादी दादी नाक पड़ी नहीं या वा बाबा ये तो आपको बैठ दूँगा ये मारे जरूरत है नहीं तो इनके साथ हंसी मजाक तो कर ही रहे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और क्या कर सकते हैं। देखो यार माँ जी सो जाएं। सो जाओ बाहर तो बहुत बारिश बस, लग रही। मम्मी बोल रही सो जाओ। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? बात भी सही है, बारिश इतनी भयंकर हो रही कि कुछ हो भी नहीं सकता है। मरने का काम हो गया। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे बोल जय हिंद जय हिंद जाप जाप जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड। क्या है जय देवभूमि उत्तराखंड? क्या है क्या जय देवभूनियाल देवभूनियाल क्या बोला क्या बुनियाल देव देवभूनियाल है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।